डिलीजनल डिसऑर्डर है, डिलीजनल डिसऑर्डर और पैराना डिसऑर्डर ये दो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं। जो डिलीजन डिसऑर्डर है, डिलीजन्स तो कई तरह के हो सकते हैं, बेसिकली फॉल्स बिलीफ है। और जो पैरानॉइड वाला है, इसमें एक ही की चीज होती है कि द पर्सन इज ऑलवेज सस्पिशियस। सो एक डिलीजन होता है डिलीजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसमें भी इंसान को जो है लग रहा होता है कि पीपल आर प्लॉटिंग 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 एंड प्लानिंग अगेंस्ट हिम, दे आर ट्राइंग टू हार्म हिम और हर। पर फर्क उसमें पैरानॉइड में और डिल्यूजन में ये है कि डिल्यूजन में जो है वो कंफर्म होगा कि हाँ ऐसा ही है, पैरानॉइड में जो है वो सस्पिशियस होगा। ये एक की डिफरेंस है, खाली पैरानॉइड होना और डिल्यूजनल पैरानॉइड होना। डिल्यूजनल पैरानॉइड होगा तो फिर वो मानेगा नहीं कि ऐसा है, चाहे कितना भी प्रूफ ले लो। पैरानॉइड खाली होगा, डाउट करेगा, आप उसको प्रूफ दोगे, टेम्परेरीली हो सकता है मान भी जाए, लेकिन फिर वो किसी और वजह से डाउट करने लग जाएगा। अब आते हैं अब डिल्यूजन जो पैरानोइया है, इसमें हेलुसिनेशन नहीं होता इन्वॉल्व। सो ये ध्यान रखना, जो इसमें जो पेशेंट को जो भी पैरानोइया विद डिल्यूजन वाला जो है, उसमें इंटरनल होगा, हेलुसिनेशन कुछ नहीं होगा कि एक्सटर्नल कोई स्टिमुलस उसको सुनाई दे रहा है, आवाज़ आ रही है कि कोई दिखाई दे रहा, वो नहीं होगा। जो थॉट प्रोसेस लेवल पे होगा ये, और इसकी वजह से जो है, क्योंकि वो डिल्यूजन है तो ऑब्वियसली इसका जो थॉट प्रोसेस जो है और थिंकिंग और फीलिंग वो होगा। तो इसमें जो है पैरानॉइड डिसऑर्डर में जो है, लंबे समय से आप उसकी हिस्ट्री चेक करोगे तो हमेशा जो है वो सस्पिशियस रहेगा, कभी किसी पे कभी किसी पे, कोई स्पेसिफिक हो किसी पे जरूरी नहीं है। और जनरली वो सबको मिस्ट्रस्ट कर रहा होगा, मतलब किसी पे भरोसा नहीं कर रहा होगा। अब कभी ना कभी तो किसी ना किसी पे हमेशा भरोसा करना ही पड़ता है, हमेशा बिना भरोसे के चलती नहीं है लाइफ। जैसे आदमी कोई बिजनेस भी कर रहा है तो बिजनेस में जो है एम्प्लॉय पे भरोसा करना पड़ता है, ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चेक करना अलग बात है, वो कभी कभी सब चेक करते हैं, करना भी चाहिए, पर ये भरोसे ना करने की वजह से वो उनके भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ पाएंगे, ये इनका जो है निशानी होगी। और दे विल बी वेरी हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव इन द सेंस जैसे मजाक में कोई बात कही किसी ने तो बस तुरंत से जो है वो लड़ने पे उतारू हो जाएंगे, उनको लगेगा मेरी इंसल्ट कर दी है। जैसे यारों दोस्तों में होता है मजाक चलता रहता है, तो किसी ने मजाक कर दिया और सब हंस दिए, तो इसको लगेगा मेरी बेइज्जती हो गई। फिर जो इनके जो आइडियाज़ और बायसेस होंगे वो प्रिजुडिस्ड होंगे, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सारे एम्प्लॉयज जो है चोर होते हैं, तो ठीक है कोई 1-2-4% हो सकते हैं, लेकिन सब तो नहीं हो सकते ना। तो एक कोई ऐसा स्पेसिफिक सा बायास होगा जिसकी वजह से कि भाई दुनिया में सब धोखेबाज हैं, इस टाइप का कोई प्रिजुडिस या बायास होगा इनके मन में। और क्योंकि इनको हमेशा शक रहता है, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं, बड़े विजिलेंट होते हैं, दे कीप ऑन वॉचिंग पीपल एंड सिचुएशन वेरी ईगरली हमेशा, क्योंकि इनको खतरा महसूस हो रहा है तो ढूंढ रहे हैं कि क्या चीज़ मुझे धोखा हो सकता है, कहाँ पे मुझे जो है कुछ हो सकता है। और क्योंकि ये हर एक पे शक कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है इनके कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप तो डेवलप होने से रहे, कि कोई भी इंसान जो सब पे शक कर रहा है उसके साथ में कौन रिलेशनशिप में किसी भी तरह के रिलेशनशिप पे रहना चाहेगा, इवन एम्प्लॉय भी नहीं रहना चाहेगा, बाकी की तो बात ही छोड़ दो। जब तो मजबूरी है, जॉब नहीं मिल रहा, हो सकता रहे, लेकिन जैसे जॉब कोई मिलेगा छोड़ के चला जाएगा इनको। तो ये जो है इनको हमेशा जो सस्पिशन करने की वजह से लोग इनके साथ नहीं रहते हैं, तो इनकी कोई मीनिंगफुल और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट वाले जो है रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाते हैं। और जैसे एक स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, उसमें इंसान हमेशा आइसोलेशन में रहता है, तो ये पैरानोइया की वजह से जो है ऑब्वियसली हमेशा अकेले से ही रहते हैं, कोई इनके पास में रहता नहीं है। तो ये पैरानोइड वालों को ये अगर पूछोगे ना कि तुम्हारा खास दोस्त कौन है या तुम्हारा सबसे नज़दीक कौन है, तो कोई मिलेगा नहीं। और जैसा कि मैंने बताया, पैरानोइया में डिल्यूजन नहीं होता है, डिल्यूजन इज नॉट देयर,
एक्सेप्ट इन एक्सट्रीम कोई या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो हो सकता है वो डिल्यूजनल हो जाए, अदरवाइज शक तो करेगा लेकिन डिल्यूजन नहीं होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरानोइया और डिल्यूजन मिलते जुलते से हैं, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटरी डिल्यूजन है और पैरानोइया मिलते जुलते हैं। जो इसका पैरानोइया का जो ग्रीक वर्ड है, ये इसका मतलब होता है इंडिकेटिंग मैडनेस। तो ऑब्वियसली वो शक कर रहा है सब पे, तो मैडनेस जैसा तो है ही है। तो एक साइकेट्रिस्ट रहे हैं एमिल क्रैपलिन। तो एमिल क्रैपलिन ने जो है एक टर्म दिया था प्योर पैरानोइया। जैसा कि मैंने बताया कि पैरानोइया डिलीजन के साथ भी हो सकता है और ओनली पैरानोइया भी हो सकता है। तो जो प्योर पैरानोइया, उसकी खासियत ये है कि आदमी को कोई भी और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डिटीरियरेट नहीं हो रही है, कोई कॉग्निटिव एस्पेक्ट उसका इम्पेयरमेंट नहीं है। लेकिन जब डिल्यूजनल पैरानॉइड होगा, जैसा कि स्किजोफ्रेनिया में हमने पढ़ा था, कोई भी डिल्यूजन हो सकता है, तो अगर डिल्यूजनल वाला होगा तो उसका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हमको दिखाई देगा। ये दूसरी खास बात है, ठीक है? तो प्योर पैरानोइया में खाली जो है यही काफी है कि आदमी को किसी तरह का ऐसा डिल्यूजन है जो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी को फंक्शन नहीं कर रहा। जैसे सपोज उसको ये रिलीजियस वाला डिल्यूजन है कि वो जो है ही और शी इज समबडी इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फिगर, ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंट है, बाकी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल लाइफ चल रही है उसकी, हर चीज़ पैसा कमा रहा है, लोग उससे मिलने आ रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, तो और कुछ इम्पेयरमेंट तो है नहीं अदर देन डिल्यूजन के। सो ऐसा भी हो सकता है। तो ये दो एस्पेक्ट हमको देखने पड़ेंगे। ये पॉइंट अंडरस्टूड है? ठीक है। तो कई तरह से ऐसे जो मैंने दो एग्जाम्पल दे दिए डिलीजेंस के, जो हो सकता है कि डिलीजन तो है लेकिन उसमें और कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, तो इस तरह के चीजों को इन्होंने टर्म किया था एमिल क्रैपलिन ने प्योर पैरानोइया में। और अगर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज में आ रहा है इफेक्ट, तो उसका नाम जो है एमिल क्रैपलिन ने नाम दिया था डिमेंशिया प्रीकॉक्स, इफ द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आर डिटीरियोरेटेड, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन इट विल बी टर्म्ड एज डिमेंशिया प्रीकॉक्स। ये एमिल क्रैपलिन का बता रहा हूं मैं, और इसी को डिमेंशिया प्रीकॉक्स को लेटर ऑन नाम दिया गया था स्किजोफ्रेनिया। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही है सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यही है कि दे विल ऑलवेज बी सस्पिशियस व्हेन इंटरेक्टिंग विद अदर्स। हर चीज, हर बात पे शक करेंगे, हर एक पे शक करेंगे, और फ्रेंडली जेस्टर्स को भी जो है ये समझेंगे मैनिपुलेट कर रहा है या इरादा इसका कुछ गलत है, इस टाइप का। दूसरों को कभी भरोसेमंद नहीं मानेंगे, इंटीमेट फ्रेंड्स नहीं होंगे, ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे, कभी टीम प्लेयर नहीं होंगे, कोई टीम होगी उसमें ये कभी फिट इन नहीं होंगे, दे विल ऑलवेज बी मिसफिट इन ए टीम। और अगर इनकी कोई रिलेशनशिप डेवलप हुए, तो एडल्ट रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो जो है उसमें पैथोलॉजिकल जेलेसी और अटेम्प्ट टू कंट्रोल द पार्टनर होगा। हमेशा उसको लगेगा कि उसका जो पार्टनर है सेक्सुअली चीट कर रहा है उसको, या मेल हो या फीमेल हो। और इन्हीं सब बातों की वजह से दे नेवर लेट देयर डिफेंसेस डाउन, कभी भी जो है वो रिलैक्स नहीं मिलेंगे, कभी भी जो है चिल करते हुए नहीं मिलेंगे, कि हमेशा उनको यही लग रहा है कि कोई उनको चीट कर रहा है उसका स्पाउस, तो कहाँ से वो होगा। और ये भी देखा जाता है कि इन्हीं सब बातों की वजह से दे हैव नोन टेंडेंसी टू बिकम वायलेंट, हिंसक भी हो जाते हैं वो लोग। तो अब जो इसमें डिलीजन वाले सिम्टम्स है पैरानोइया में, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट नहीं हो रहा है, तो वो ग्रेजुअली अपियर होते हैं, दे डोंट अपियर सडनली, दे अपियर ग्रेजुअली। तो इसके लिए एक वर्ड है इनसिडुअस, इनसिडुअस, INSIDIOUS। तो जो दे अपियर इनसिडुअसली, तो
जो पेशेंट है वो सेंटिमेंटल होगा, सस्पिशियस होगा, इरिटेबल होगा, इंट्रोवर्ट, डिप्रेस, जिद्दी होगा, जेलस, सेल्फिश, अनसोशल, हमेशा बिटर होगा, ऐसी बातें कहेगा, कड़वीज लगे लोगों को। ये सब जो है सिम्टम्स पैरानोइया के हैं। और इसके अलावा इनको क्या लग सकता है कि जैसे कि सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग हो सकती है, कि जैसे दो लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं तो इनको हमेशा लगेगा कि वो जो है उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग। और कभी भी ये जो है दूसरे में कन्फाइड कर नहीं करेंगे, कि इनको जो है कोई, जैसे हर एक को चाहिए होता है कोई ना कोई लाइफ में कि जिससे वो अपनी दिल की बात शेयर कर सके, लेकिन ये ट्रस्ट ही नहीं किसी पे करते हैं, तो कैसे ये जो है शेयर करेंगे, कभी नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वो और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। फिर इनको ये भी लग सकता है कि पीपल आर रीडिंग देयर माइंड, और मैजिकल थिंकिंग भी हो सकती है, जैसे कि कोई जो है इनके थॉट्स और एक्शंस को जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है, या ये अपने थॉट्स और एक्शंस को को यूज़ कर सकते हैं दूसरों को इमोशन करने के लिए। थॉट विड्रॉल, इनको लगेगा कि कोई इनके दिमाग से आइडियाज़ निकाल रहा है। थॉट इंसर्शन भी हो सकता है। थॉट इंसर्शन में क्या होता है कि कोई इनके दिमाग में आइडिया डाल रहा है, अपना आइडिया डाल दिया, ये मैंने नहीं, उसने अपने मेरे दिमाग में डाला है ये बात, ये थॉट इंसर्शन हो गया। देन आइडिया ऑफ रेफरेंस, ये भी हो सकता है। आइडिया और रेफरेंस में क्या है, जैसे कोई टेलीविजन प्रोग्राम चल रहा है और उसमें कुछ दिखाया जा रहा है, लेटर से कोई सॉन्ग आ रहा है या कोई न्यूज़ आ रही है, तो इनको ये लगेगा कि ये जो न्यूज़ या सॉन्ग आ रहा है ये इनके लिए जो है ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, इनको कोई मैसेज पास ऑन कर रहा है। ये आइडिया और रेफरेंस वाला हो गया। तो परसिक्यूटरी पैरानोइया तो मैंने बता ही दिया है, रिलीजियस वाला भी बता ही दिया। रिफॉर्मेटरी वाले में ये, इनको ये लगता है कि ये दुनिया में आए हैं रिफॉर्म करने के लिए, तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए, जैसे कोई डिजीज़ है उसको दूर करने के लिए आए, सम काइंड ऑफ रिफॉर्मेशन और क्योर दे आर गोइंग टू डू फॉर द एंटायर वर्ल्ड। फिर एक होता है एरोटिक पैरानोइया। तो इसमें जो है क्या होता है कि जो इनको ऐसा लग रहा होता है कि जो पर्सन ऑफ अपोजिट जेंडर, जो कि कोई बहुत फेमस और रिच या वेल नोन होगा जिससे कभी मिले भी नहीं होंगे, दैट पर्सन इज मैडली इन लव विद हिम और हर, ठीक है, ऐसा होगा, इसे एरोटिक पैरानोइया कहते हैं। और सिर्फ मैडली इन लव नहीं, दैट पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू मैरी, इतना भी हो सकता है कि उसका वेट कर रहा है जब ये जाएगा तो शादी कर लेगा, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। फिर एक होता है लिटिगुअस पैरानोइया। लिटिगुअस पैरानोइया में क्या कि आदमी छोटी छोटी बातों पे हमेशा ये मुकदमे करेगा, कोर्ट केस कर देगा, पुलिस केस कर देगा, हमेशा लिखित में कंप्लेन कर देगा, इस टाइप के जो है इसकी एक्टिविटीज होंगी, तो हमेशा इन चीज़ों में उलझा रहेगा। और ये भी हो सकता है लिटिगस पैरानिया कि जिससे इसको खतरा लग रहा है उसका मर्डर भी कर दे, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। फिर एक होता है हाइपोकॉन्ड्रियाकल पैरानोइया। इसमें जो है कोई इमेजिनरी या रेडिकुलस डिजीज होगी जिससे ये सोचेगा कि ये सफ़र कर रहा है, जैसे कहेगा कि मेरे जो है स्किन के अंदर जो है सांप चल रहे हैं, और कितना भी समझा लो वो नहीं मानेगा। तो ये सम ऑफ द फेमस टाइप्स ऑफ पैरानोइया। ये समझ में आ गया, इसमें से कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो है कॉजेस पे आते हैं पैरानोइया के, कॉजेस क्या क्या हैं। एक है जो साइको एनालिटिक थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की, उसके अनुसार है होमोसेक्सुअल फिक्सेशन। अगर कोई व्यक्ति लेटेस्ट है कि होमोसेक्सुअल है, मेल और फीमेल, इट कैन बी एनीबॉडी, तो वो अपने जो है होमोसेक्सुअल टेंडेंसी को अगर रिप्रेस कर रहा है तो वो इन ए वे फिक्सेशन जो है हो गया उसका वहाँ पे, और ये फिक्सेशन जो है हो गया तो फिर ऑब्वियसली जो है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, विच इज़ पैरानोइया। जो हमने पढ़ा था ना कि जो हर स्टेज को सक्सेसफुली क्रॉस करेगा इंडिविजुअल तभी ठीक होता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम। सो लाइकवाइज यहाँ पर भी
क्योंकि वो जो जेनाइटल स्टेज है उसको सक्सेसफुली क्रॉस नहीं कर पा रहा था. पर्सन इज होमोसेक्सुअल. सोसाइटी एक्सपेक्ट्स नॉर्मली ह्यूमन बींग्स टू बी हेट्रोसेक्सुअल. सो इसको अपने को रिप्रेस सप्रेस करना पड़ेगा. सो दिस थिंग गोज इन टू अनकॉन्शियस एंड पर्सन बिकम्स सस्पिशियस एंड पैरानॉइड. फिर एक अगर किसी में फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी है तो उसको फेलियर, फियर ऑफ फेलियर, डिस्गस्ट, सेंस ऑफ गिल्ट, ये सब हो सकता है. तो ऑब्वियसली हो गई जब ये फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी है तो ये कन्वर्ट हो सकती है पैरानोइया में. फिर एक इमोशनल कॉम्प्लेक्स वाली बात भी है. सो इमोशनल कॉम्प्लेक्स में क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़ गई हैं कि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. इस टाइप का इमोशनल कॉम्प्लेक्स बन गया है. देन पर्सनैलिटी टाइप भी है, जैसे कोई सेंटिमेंटल है, जेलस है, सस्पिशियस है, एम्बिशियस है, सेल्फिश है, शाई है, ये लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं पैरानोइया डेवलप होने में. खाली पर्सनैलिटी वजह से है ऐसा कहना मुश्किल है. हेरिडिटरी जो हमेशा बताया है मैंने पॉसिबल है, हेरिडिटरी भी है. बायोलॉजिकल ऑल्सो पॉसिबल है कि कोई जो है पर्टिकुलर न्यूरो ट्रांसमीटर है उसका इम्बैलेंस हो गया है तो उससे हो गया है. फिर एनवायरमेंटल ऑब्लिक साइकोलॉजिकल, तो वही जो जीन्स और एनवायरमेंट वाली बात है, अगर एनवायरमेंट में स्ट्रेस है और जीन्स अवेलेबल है या पर्सनैलिटी प्री डिस्पोजिशन है तो वो हो जाएगा. देन डिसफंक्शनल कॉग्निटिव प्रोसेसेस, अगर किसी इंसान का थॉट प्रोसेस ही गलत हो तो पैरानॉइड हो ही जाएगा. जैसे किसी को हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढना है तो हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढेगा तो पैरानॉइड हो ही जाएगा. तो उसका जो है जो कोर बिलीफ सिस्टम है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और उसमें फिर चेंजेस लाते हैं. तो अब जैसे कोई भी डिसीजन हम लेते हैं तो सारे फैक्ट्स गैदर करके, सब चीज़ों को कंसीडर करके तब कोई डिसीजन लेते हैं. ये थोड़ी कि बस खाली हम नेगेटिव चीज़ें ढूंढेंगे और फिर नेगेटिव चीज़ें ढूंढ के उसके बेसिस पर डिसीजन ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है. जैसे कोई ह्यूमन बींग भी है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर एक में कमियाँ होती हैं. तो हम उसकी अच्छी चीज़ें भी देखते हैं, बुरी भी देखते हैं, और जहाँ तक वो हमको सूट करता है उस हद तक हम उससे रिलेशन बनाते हैं. अगर हम केवल नेगेटिव की बेसिस पर रिजेक्ट करने लग गए तो हमारी लाइफ में कोई रहेगा ही नहीं. नोबडी इज परफेक्ट, आई डोंट थिंक सो, एटलीस्ट आई एम नॉट परफेक्ट. तो ये इनमें यह है कॉग्निटिव बायस होगा. और दूसरा जो है बहुत तेज़ी से डिसीजन में पहुँच जाएंगे क्योंकि सारे फैक्ट कंसिडर नहीं कर रहे होंगे ना. इनको बस दो चार नेगेटिव मिले और तुरंत जो है कंसीडर कर लिया कि हाँ ये जो है ऐसा है, सिचुएशन है, ख़राब है, लोग ख़राब है या वॉट एवर इट इज़. फिर मेडिकल कॉजेज भी हैं. अब जैसे एक इन्होंने इसमें लिखा है अल्जाइमर डिजीज़ का. सो अल्जाइमर डिजीज़ जो है ये एक न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ है. न्यूरो डीजनरेटिव का मतलब है न्यूरॉन्स के डीजनरेशन की वजह से होता है. तो इसमें मेमोरी लॉस भी होता है, स्टार्टिंग वहीं से होती है अल्जाइमर डिजीज़ में. ट्रेमर्स, बॉडी कंट्रोल वगैरह भी नहीं हो पाता ढंग से. भूल, याददाश्त तो सबसे पहले इफेक्ट होती है अल्जाइमर्स में. तो अब हमको जब चीज़ें याद ही नहीं रह रही हैं और हमको इस बात का एहसास नहीं कि चीज़ें याद नहीं रह रही, तो हमें लगेगा कि लोग बाग झूठ बोल रहे हैं, तो वो पैरानॉइड हो सकता है इंसान अगर वो इनसाइट नहीं है उसको. तो फिर मेंटल एसोसिएशन, मेंटल इलनेस भी एसोसिएटेड इससे होती है, जैसा कि मैंने बताया स्किजोफ्रेनिया में, है ना. जैसे हमने पढ़ा था स्किजोफ्रेनिया में क्या होगा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो गए. कोई एक बड़ा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं होगा, छोटे छोटे कई सारे होंगे. थोड़ी सी मेमोरी ख़राब है, थोड़ा विजुअल परसेप्चुअल प्रोसेसिंग में मिस्टेक है, थोड़ा लॉजिकल फैकल्टी में मिस्टेक है, है ना. कुछ इमोशंस ब्लंटेड हैं, इस टाइप से चीज़ें हैं. तो और ऊपर से पैरानोइया भी है, ठीक है. तो अब वो स्किजोफ्रेनिया हो गया. वो इस तरह से दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं अदर देन पैरानोइया, वन ऑफ विच इज स्किजोफ्रेनिया. फिर सब्सटेंस अब्यूज, ये हमने बात करी थी जब हमने सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर्स पढ़े थे, कि
वेरियस रीजन से लोग वेरियस टाइप के सब्सटेंसेस लेते हैं, जैसे मैंने बताया था कि पेन होता है जिन लोगों को, वो पेन किलर के रूप में ओपियाइड्स लेते हैं, तो फिर वो तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो सब्सटेंस अब्यूज़ करने लग जाते हैं। ऑक्सीकोडोन है, स्लीपिंग पिल्स है, ट्रैंकुलाइजर्स, ये सब लेते हैं। फिर जब इनका विड्रॉल होता है तो आदमी को जो है पैरानॉइड थॉट ट्रिगर हो जाते हैं। तो इसीलिए विड्रॉल को बहुत क्लोजली और केयरफुली जो सुपरविजन की ज़रूरत होती है। तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसमें फॉल्स बिलीफ होगा इंडिविजुअल का, द पर्सन। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा फॉल्स बिलीफ है? दो तरीके हैं। एक तो डिल्यूजन होता है बिजार, बिजार मींस अजीब और गरीब, जो सुनते ही पता लग जाए। जैसे मैं कहूँ कि एलियंस आर टेकिंग थॉट्स आउट ऑफ माय माइंड और दे आर इंसर्टिंग थॉट्स इन माय माइंड, तो ये तो बिजार हो गया। नॉन बिजार में क्या कि मैं कहूँ कि आईबी सीबीआई जो रॉ सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो पॉसिबल तो है ये होना, लेकिन कोई रीज़न भी तो होना चाहिए। आई एम लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैं अपने टैक्स पे करता हूँ, मैं देश के लिए जान देने को राजी रहता हूँ, तो वाई समबडी विल बी आफ्टर मी, देयर इज नो लॉजिकल रीज़न। मेरा कोई फ्रेंड क्रिमिनल नहीं है, तो ये हुआ नॉन बिजार। नॉन बिजार वाला जो है, जब तक इंडिविजुअल आपको बताएगा नहीं, पता नहीं चलेगा कि इसको नॉन बिजार डिल्यूजन है, ये ध्यान रखना। कई बार तो ऐसा होगा कि वो पूरी ज़िंदगी काट लेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसको ये डिल्यूजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जो है ये डाउट है कि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं उस पर गवर्नमेंट नज़र रख रही है, खाम खाम है, डिल्यूजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट कार्ड रखना बंद कर दूँगा कि क्रेडिट कार्ड से डिजिटल पेमेंट करूँगा तो वो पता लग जाएगा उन्हें मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करूँगा, मगर ये बात मैं बता किसी को नहीं रहा हूँ। तो अब कोई जो मुझे देख रहा है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता है, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करता है, सोचेगा कि ये टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, इसको जो आता नहीं होगा, उनको क्या पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सो वो नॉन बिजार हो गया। तो डिल्यूजन कैन बी बिजार और नॉन बिजार, दोनों तरह के पॉसिबल है। और फर्दर जो ऊपर हमने पढ़े थे डिफरेंट डिफरेंट पैरानोइया, वो सब हो सकते हैं, जैसे लिटिगस वाला है, रिलीजियस है, ग्रैंडियोसिटी वाला है, परसिक्यूटरी है, पैरानॉइड है, ये सब कुछ भी हो सकते हैं, बिजार भी हो सकते हैं, नॉन बिजार भी हो सकते हैं। फिर इसमें बुक में जो एग्जांपल दिया है बिजार वाले का, कि ए पर्सन मैन, नॉट ए वुमन, मैन दिया है इसने, मैन बिलीव दैट ही इज प्रेग्नेंट विद सम जर्मन शेफर्ड पपीज, तो ये कोई बताएगा तो बोलते ही पता लग जाएगा कि बिजार है डिल्यूजन, लेकिन उसे कितना भी समझा लो, उससे कुछ भी जो है मेडिकल एविडेंस दे दो, वो नहीं मानेगा, इससे पता चलेगा कि वो डिल्यूजन है। और कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैं बता ही चुका हूँ, और इनकी जो है अनयूजुअल चॉइसेस होंगी डे टू डे लाइफ में, जो आमतौर पर लोग नहीं करते हैं, आप देखोगे कि ये कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि इनको डिल्यूजन है। जैसे एक पेशेंट था मेंटल हॉस्पिटल में, वो जो है उसको ये डिल्यूजन था कि हर जगह जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो जहाँ भी इन्फेक्शन है वो अगर जो है नींबू की पत्तियाँ वहाँ डाल दी जाए तो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो वो हमेशा जो है जेब में नींबू की पत्ती लेके चलेगा, बहुत सारी, थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत सारी, और जहाँ पे भी वो चलेगा वहाँ पे नींबू की पत्तियाँ डालता जाएगा, तो ये उसको डिल्यूजन है, तो है, फॉल्स बिलीफ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ डिल्यूजन डिसऑर्डर, तो ये पैरानॉइड में बता ही चुका हूँ, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन डिसऑर्डर में बता ही चुका हूँ परसिक्यूटरी वाला। फिर एक पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, हमेशा जो है वो शक करता रहता है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो है, इसमें खासियत ये है, ये इनका डायग्नोसिस जो है तो 18 के बाद, ईयर्स के बाद में होता है, लेकिन सिम्टम्स 18 से पहले आ जाते हैं। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जितने भी हैं, ये ऐसा नहीं होता कि 50 साल के बाद में कुछ हुआ और हमने बोला पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ऐसा नहीं है।
सो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने के लिए डायग्नोसिस के लिए एज तो 18 होनी चाहिए, क्योंकि 18 तक ये उम्मीद आती कि इंसान हो सकता है चेंजेस आ जाए, अभी इम्प्रूव हो रहा है, थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो इसलिए डायग्नोसिस तो 18 के बाद ही होगा। लेकिन जब डायग्नोसिस करते हैं तो सिम्टम्स देखते हैं कि ये कब से आए थे, तो वो 18 से पहले सिम्टम्स आए हुए होने चाहिए। तो ये एक की डिफरेंस है, खाली आदमी पैरानॉइड है या पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है या खाली डिल्यूजनल डिसऑर्डर। ये क्लियर है पॉइंट जो मैंने बताया? ठीक है, खाली पैरानॉइड है तो बस खाली शक करेगा, चेक करता रहेगा, अपने आप को सेटिस्फाई करता रहेगा। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है तो फॉल्स बिलीफ हो गया, वो मानेगा ही नहीं। ठीक है, खाली डिल्यूजनल डिसऑर्डर है परसिक्यूटरी, तो बस उसको परसिक्यूटरी वाला जो है डिल्यूजन है। स्किजोफ्रेनिया में तो ब्लंटेड अफेक्ट, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वो सब भी हो जाता है, खाली डिल्यूजन वाले में तो डिल्यूजन जो है पैरानॉइड वाला परसिक्यूटरी वाला डिल्यूजन है। ठीक है, और पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी शक कर रहा है लेकिन सिम्टम्स 18 से पहले आने शुरू हो गए थे। आई होप द डिफरेंसेस आर क्लियर, मिलते जुलते हैं पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और ये ड्रग्स के बारे में बता ही चुका हूँ कि ड्रग्स यूज़ करने वालों का, फिर जो एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस हैं वो जो है प्रिस्क्राइब होती हैं, ऑब्वियसली वो जो है कौन दे करेगा, साइकेट्रिस्ट करेगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस खाली नाम पता होना, जैसे ये हेलोपेरिडॉल काफ़ी फेमस है, क्लोजापाइन ये भी फेमस है, क्लोरप्रोमाजीन ये भी काफ़ी फेमस है, रिस्पेरिडॉन इसको रिस्पेरिडॉल भी बोला जाता है। तो बस नेम्स यू कैन रिमेम्बर फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, अदरवाइज इन योर लाइफ यू विल नेवर बी प्रिस्क्राइबिंग दीज थिंग अनलेस यू बिकम अ साइकेट्रिस्ट। डिलीजन ऑफ ग्रैंडोर में बता चुका हूँ कि उसको ऐसा है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो वो कर सकता है जो कोई नहीं कर पाएगा, एंड ही हैज़ बीन गिवन सम सुपर पावर। देन मोटिवेटेड और डिफेंसिव डिल्यूजन, ये भी एक चीज़ है समझनी होगी, अगेन जब उसकी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा कि ये मोटिवेटेड और डिफेंसिव डिल्यूजन है। इसमें क्या है कि अगर कोई आदमी बहुत हाई सेल्फ एस्टीम मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है लाइफ में तो वो बड़ा डिफेंसिव सा हो जाएगा, थोड़ी सी भी कोई बात होगी तो उसको लगेगा कि लोग मुझे जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं या मुझ में कमियां निकाल रहे हैं। तो इसलिए सेल्फ एस्टीम होना तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं, बहुत हाई होना नहीं अच्छी बात है। इतनी हाई हो जाना कि कोई भी बात जो है बेइज्जती ही लगे जब कोई समझाने की कोशिश करे तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल। तो डिलीजन के साथ में और मेडिकल भी और फिजिकल कंडीशंस होती है, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन इंजरी है, ड्रग्स की वजह से ब्रेन में, ये सब भी हो सकता है। तो ये सब मतलब कोमॉर्बिडिटी वाली बात हो गई। अब ट्रीटमेंट, तो नॉर्मली जो है पैरानोइया जो है इसका ट्रीटमेंट होता नहीं है, क्योर नहीं है इसका, थोड़ा कंट्रोल में तो किया सकता है लेकिन क्योर नहीं किया सकता है। जैसे अगर उसको शक है कि मेरे पर्स से पैसे चुराए जाते हैं तो ठीक है भाई गिन के रखा करो, ठीक है, और काउंट कर लिया करो, या अपना जिस पे शक है गिन के पैसे पर्स उसी को पकड़ा दो, जब मैं पर्स मांगू तो देना इतने पैसे होने चाहिए, पर शक तो वो करेगा। ठीक है, ऐसे कोई क्योर नहीं है इसका, पर हाँ इसको किया सकता है। ऐसा इसका जो चीफ क्योर माना जाता है कि इंसुलिन जो है वो देने से होगा। अब क्यों इंसुलिन से होगा ये इसमें मेंशन नहीं है, एंड आई ऑल्सो डोंट नो हाउ इंसुलिन चेंजेस पैरानोइया। तो कुछ पेशेंट तो रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन सबके बारे में नहीं कहा जा सकता है। साइको एनालिटिक मेथड में जो हम बात कर चुके हैं, जैसे रिप्रेस सेक्सुअल डिजायर्स है, होमोसेक्सुअलिटी वाली, तो उसकी वजह से होगा,
और पेशेंट जो है कॉपरेट नहीं करेगा डॉक्टर के साथ में, ये एक बात है खास। अगर वो कॉपरेट करेगा तो रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली करता नहीं है। आप उसको कितना भी समझा लो वो फिर घूम फिर के लेकिन करके फिर से आ जाएगा उस पॉइंट पे। फिर सीबीटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर उसके कोर बिलीफ सिस्टम में ही कोई फॉल्टी है चीज़, तो फिर वो सस्पिशियस रहेगा। जैसे उसका कोर बिलीफ सिस्टम ये है कि जो भी गरीब है वो चोर है, तो ये फॉल्टी बिलीफ है। भाई चोर तो कोई भी हो सकता है, चाहे गरीब है या अमीर है, परसेंटेज में वेरी, बट ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाला चोर नहीं होगा या ये होगा ही होगा। तो अगर सपोज उसका थॉट प्रोसेस ये है कि जो गरीब है वो चोर है, तो फिर वो जो भी उसके आसपास जितने भी गरीब होंगे उन पर हमेशा शक करता रहेगा। तो अब उसका ये कोर बिलीफ सिस्टम अगर हम चेंज करते हैं कि भाई चोर तो कोई भी हो सकता है, तो फिर जो है फायदा होगा। तो ये सीबीटी ऐसे चलती है, वी हैव टू अंडरस्टैंड उसका कोर बिलीफ सिस्टम क्या है। नेक्स्ट इज ड्रग थेरेपी। तो इसमें कई बार जो है अब पेशेंट को ना अपने पैरानॉइड होने की वजह से बाकी चीज़ों में भी तो प्रॉब्लम आ रही होती है, स्ट्रेस है तो उसको खुद को अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा, हमेशा टेंशन में घूम रहा है। पर ये भी देखा गया कि जैसे एक शुगर पिल है नॉर्मल सी, उसको प्लेसिबो को रूप में दे दी गई है, तो कई बार उससे फायदा हो जाता है पेशेंट को। हाँ, पर ये भी हो सकता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा पैरानॉइड है, ये भी सोचे कि दवा दे रहे हैं कि जहर दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो डिपेंड करता है, अगर वो डॉक्टर पे इतना ट्रस्ट कर पा रहा है कि जो मेडिसिन देगा ठीक देगा, तो प्लेसिबो काम कर सकता है कईयों में। और जैसे कि एंटी साइकोटिक मेडिसिन जो है नई जनरेशन की अब तो आ गई हैं, वो सब भी जो है दी जा सकती हैं, इनमें जो है साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, एजिटेशन इनमें हो सकता है पैरानॉइड पेशेंट्स में, मैंने बताया था ना वॉयलेंट हो सकते हैं, कि अगर इनको बहुत ज़्यादा जो है डाउट हो गया, स्ट्रेस हो गया, सो दे कैन बी एजिटेटेड एंड बिकम वॉयलेंट ऑल्सो। तो और इनको जो इनका जो जो भी डिल्यूजनल डिसऑर्डर है उसको जब कन्फ्रंट करेंगे फैक्ट से, लॉजिक से, और ये उसको नहीं काट पाएंगे, सो दे विल बिकम पैरानॉइड। फिर ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट जो है कॉम्बिनेशन होता है फार्माकोथेरेपी विद कॉग्निटिव थेरेपी या जो भी साइकोथेरेपी है। तो साइकोथेरेपी में जो है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी भी दे सकते हैं, सीबीटी भी दे सकते हैं, और फैमिली थेरेपी भी। क्योंकि जैसे आई हैव रिपीटेडली टोल्ड कि फैमिली थेरेपी दो रीजन से देते हैं, कि इसको कैसे हैंडल करना है ये सिखाते हैं फैमिली को, साथ ही फैमिली को भी तो स्ट्रेस हो रहा है इसको हैंडल करने से, वो कैसे स्ट्रेस हैंडल करें ये भी उनको साइको एजुकेशन देनी है। फिर प्रोग्नोसिस जो है डिलीजनल डिसऑर्डर का, जो मैंने ऑलरेडी बताया क्वाइट डिफिकल्ट, जो क्योर तो नहीं होगा और लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, और साथ में अगर कोई और मेंटल डिसऑर्डर है जैसे स्किजोफ्रेनिया और पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अगर इनको कोई और मेडिकल कंडीशन भी है साथ में, जैसे हार्ट डिजीज़ है या और कोई डिजीज़ है, तो इनको जो सिम्टम्स है पैरानोइया के, ये वैक्सिंग एंड वेनिंग होंगे। वैक्सिंग एंड वेनिंग मतलब कभी तो बहुत बढ़ जाएंगे सिम्टम्स, कभी घट जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि अदर मेडिकल कंडीशन कितना इनको अफेक्ट कर रही है। और अगर ये कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं, सब्सटेंस यूज़र हैं ये, तो उसको अगर ये डिसकंटिन्यू कर देंगे तो पैरानोइया के सिम्टम्स रिवर्स हो सकते हैं। ये भी है। फिर जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं, हंटिंगटन्स डिजीज और पार्किंसंस डिजीज, इसमें भी जो है पैरानोइया के जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स देखे जाते हैं। ये दिस वॉज अ सेशन फॉर पैरानोइया एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। क्लोज कर दो रिकॉर्डिंग। ओके।